पुलवामा कांड से पूरा देश दुखी है, लेकिन पाकिस्तान भी दुखी है। जो एक्शन लिया जा रहा है उससे, अभी जो सेना का बाकी ही है, पंक्तियां देना चाहता हूं मित्रों पाकिस्तान के लिए। स्वागत स्वागत स्वागत। कि ईमानदारी से करे करनी है बात, तो फिर उत्पाती अपने दामादों से रुका प्रथम। अब बंद करा दे, बंद करा दे घुस बैठे नित्य, बंद करा दे घुस बैठे अवारा कुत्तों की नित। आतंकवादी दुष्टों पे अंकुश लगा प्रथम, और दिखा सके तो दिखा सदिच्छा सदविचार प्यार, मानवता सहिष्णुता दिखा न दिखा अनुभव। और वरना इस बार ऐसी मार मार देंगे बेटे, पैदा होगी पंगु भावी पीढ़िया खुदा कसम, पैदा होगी पंगु भावी पीढ़िया खुदा कसम, पैदा होगी पंगु भावी। और मित्रों सामना में डंक मेरा छपता था, शुरू से ही छप रहा है, तो भी अभी मुझे याद आ गया एक डंक पढ़ने के लिए बोले थे, पहला डंक सामना का। स्वागत स्वागत। 26, 22 फरवरी, 23 फरवरी 1993 याद करिए मैं तो, पहला डंक हिंदी के सामना का था जी। याद करिए उस समय दंगे की बात की स्थिति थी। 26 जनवरी 1993 को दिल्ली में जामा मस्जिद पे अब्दुल्ला बुखारी ने काला झंडा फहराया था, बात हमने वहां से लिया था जी। और मेरा सौभाग्य कि पहला डंक था हिंदी सामना का, तो मुझे कई जन ने बोला था, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूं। पहला डंक सुनिएगा। स्वागत स्वागत। अब्दुल्ला बुखारी को याद करिएगा और डंक पढ़िए सुनिएगा। है कलंक इस देश पर ऐसा ही इमाम, है कलंक इस देश पर ऐसा ही इमाम, बेमिसाल इसने किया गद्दारी का काम, गद्दारी का काम नहीं अंजाम जानता, काला झंडा फहरा कर इनाम मांगता, और तरुण उठा लो लाठी काला सांप यही है, जिंदा इसे जला दो कोई पाप नहीं है, जिंदा इसे जला दो कोई पाप नहीं है, जिंदा इसे जला दो कोई पाप नहीं है। मित्रों फिर पाकिस्तानी निशाने पर, क्योंकि वीरस का आज आक्रोश भी है लोगों में जी, हमने पाकिस्तान को ही निशाने पर लेते हुए चंद पंक्तियां और जी जी जी। कि बंद कर दे समर्थन देना आतंकवादियों को, वरना अब कांटा जड़ से उखाड़ देंगे हम, अब तहस नहस कर देंगे पूरा पाकिस्तान, नक्शा तेरी सीमाओं का फिर बिगाड़ देंगे हम, अब जागे हुए सिंह को सताना सोया जान वरना हिंदुस्तान को जी। जागे हुए सिंह को सताना सोया जान वरना अंग भंग कर तुझे चीर फाड़ देंगे हम, अब पालना नहीं वह हम माँ भवानी की कसम, छाती पे बाजवा के तिरंगा गाड़ देंगे हम, छाती पे बाजवा के तिरंगा गाड़ देंगे हम छाती पर। आज की डेट में अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो हमारे जवान पाकिस्तानियों का क्या हाल बनाएंगे, पंक्तियां दे रहा हूं सुनेगा। अर्थियां उठाने के लिए नहीं बचेगा कोई चुन चुन, सारे पुरुषों को काट डालेंगे, और शातिर शाहीनों के उसकी गोरी शाहीन मिसाइलें अपनी अग्नि पृथ्वी नाग। अर्थियां उठाने के लिए नहीं बचेगा कोई चुन चुन, सारे पुरुषों को काट डालेंगे, और शातिर शाहीनों के सीनों में नाग झोंक देंगे, चोरी से लाई गई गोरी को रौंद डालेंगे। भले कितना ही बड़ा बदमाश बाजवा हो, भले कितना ही बड़ा बदमाश बाजवा हो, अपने जवान उसकी खाल नोच डालेंगे, और अग्नि मिसाइलों पर लगा के एटम बम पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान बना डालेंगे, पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान बना डालेंगे, पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान। और